पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि गोविंदगढ़ क्षेत्र में मंदिर माफिक जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा दुर्भाग्यपूर्ण है। भूमाफियाओं को एसडीएम और विधायक साफिया जुबेर का सपोर्ट मिल रहा है। सरकार को भूमि का इंतकाल चढ़ाने की जांच करनी चाहिए। पूर्व विधायक आहूजा ने मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज ज्ञात हुआ है कि श्री गोविंदगढ़ जिला अलवर में किसी मंदिर माफी की जमीन बजरंगबली श्री हनुमान जी की जमीन पर कुछ अवैध लोग कब्जा करना चाहते थे और वहां दुकानें और चार दीवारी बना रहे थे और इसमें मिली भगत एसडीएम लक्ष्मणगढ़ और जिला प्रशासन की भी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं विधायक रहा तो लगातार विधानसभा में यह प्रश्न लगातार रहा कि चाहे नजूर संपत्ति की जमीन हो, चाहे मंदिर माफी की जमीन हो, चाहे देवस्थान की जमीन हो, चाहे चारागाह स्वायचक हो, इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, किन किन का किया हुआ है, इसका प्रश्न का उत्तर भी आया था। यह आतंकवादी कार्रवाई है, गलत कार्रवाई है कि किसी समाज ने, सैनी समाज के रामबास के किन्हीं बंधुओं ने यह हनुमान जी के मंदिर के लिए दान दी और उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। और यह भी जानकारी मिली है कि स्थानीय विधायक का उसमें पूरा हाथ है, पूरा प्रश्रय है और उनका पूरा उन कब्जा करने वालों को आशीर्वाद है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को, जिला प्रशासन को, संभाग आयुक्त महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए और अगर कहीं गलत इंतकाल चढ़ाए, गलत बेचान और एग्रीमेंट हुए हैं तो उसको रद्द करना चाहिए। यह मंदिर माफी की या मंदिर की जमीन है तो मंदिर को ही रहनी चाहिए और इसके अलावा अगर मंदिर की बजाय कोई और कब्जा करना चाहेगा तो अभी तो वहाँ जनता ने आंदोलन किया है। मैं आज बहुत व्यस्त रहा, मंदिर और गुरुद्वारों के कई कार्यक्रम थे अलवर में, इस कारण से गोविंदगढ़ नहीं जा पाया, लेकिन मैं जाऊँगा तो वो हजारों जनता को लेके और बड़ा आंदोलन करेंगे और इस पर मंदिर माफी की जमीन हो या हनुमान जी की मंदिर की जमीन है, दानदाताओं ने जो दी है उन दानदाताओं को धन्यवाद, इस पर कब्जा करने नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। यह श्री गोविंदगढ़ की जनता को ज्ञात रहे, भविष्य में इस संबंध में चाहे हाईकोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक, पूरी और उचित कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं शब्दों का विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।